नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला, उसी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीयूटी पीजी 2024 में जो जनरल पेपर होने वाला है उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज होते हैं उसका जो सिलेबस है वो जनरल पेपर का है, यानी वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी के लिए जा रहे हो तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा, एमएससी में किसी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो तो उसका सब्जेक्ट आएगा। यहां पे ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बीएचयू में आप आईआरडीएम करना चाहते हो, एमएसडब्ल्यू करना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज जो कि हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, इन सभी कोर्सेज के लिए पर्टिकुलर सिलेबस बनाया जाता है। एक सेक्शन ही डिवाइड कर दिया गया है और उसको बोला जा रहा है ये जनरल पेपर है। इसीलिए बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फॉर्म जो है, अगर इंग्लिश के बाद बात करें, क्योंकि लास्ट टाइम इंग्लिश में भी ठीक ठाक फॉर्म पड़े थे, तो जनरल पेपर ही है। अब इस बार का फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है तो कहा नहीं जा सकता है कि किसमें ज्यादा बच्चे आएंगे, किसमें कम आएंगे। बहरहाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी 2024 जनरल पेपर। इस बार जो कोड बनाया गया है वो कोड है COQP11। ये कोड है, आप लोग इसी कोड का यूज करके अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। लेकिन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज आप फॉर्म भरने से पहले आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्म ही गलत भर दो। 9519383272 कोई कोर्स ज्वाइन करना है या काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, छात्रों के हित में कार्य किया जा रहा है, और कोर्स ज्वाइन करना है क्योंकि हमारे यहाँ पूरे मेंटर्स जो है, ये सभी मेंटर्स जो है वो अपने अपने कोर्स को रन करा रहे हैं, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है उसको ये लोग पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर वे में आप पढ़ाई कर सकते हो इनसे। तो जो भी प्रॉब्लम्स है आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी इंक्वायरीज कर सकते हो। आइए हम लोग सिलेबस डिस्कशन करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल 5 सेक्शंस होते हैं जनरल पेपर में, जिसमें पहला ही है लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी भाषा से आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों है, आपके चॉइसेस के ऊपर है। आप जब अपना हिंदी ऑप्ट करते हो तो आपसे हिंदी भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश ऑप्ट करते हो तो आपसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये पूरा ऊपर के जो 7-8 पॉइंट है ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, जिसमें इंग्लिश ग्रामर एरर्स है, करेक्शन, इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब ढेर सारी चीजें। जनरली जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो इसको देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले और इसी के लिए अपनी पढ़ाई करें। आपके पास लगभग टोटल 75 क्वेश्चंस आने वाला है। ये पूरा पूरे जनरल पेपर में 75 क्वेश्चन आएगा, 105 मिनट आपको दिया जा रहा है। इसी 75 में आपके लगभग 15-20 करके आपके सेक्शंस डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? इंग्लिश अगर हिंदी के बच्चे हैं तो यहां पे देखें, सेम वही चीजें हिंदी में आपको दिया जा रहा है, सेम वही चीजें इंग्लिश वालों को यहां पे हिंदी में कर दिए, मुहावरा, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, जो भी पैराग्राफ वगैरह, व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, ये सब आपके लिए यहां पे उपलब्ध है। इसकी भी प्रॉपर क्लासेज मेरे पास अवेलेबल है। इस इंग्लिश की तो पूरा मात्र 11 लेक्चर में कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी मेरे यहां है। हिंदी की भी पूरी प्रैक्टिस के साथ हमारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल है, आप हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए भी हमारे यहाँ कोर्स देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, जनरल पेपर में जनरल नॉलेज आता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। आप सोच रहे होगे सर इतने सारी चीजें बस 20 क्वेश्चन में कैसे देंगे, जो बहुत यही तो है, यही मैं बोल रहा था। आप मेरे यहाँ ज्वाइन करोगे तो इन सब चीजों का मैं आपको नोट्स दूंगा, बेसिकली पढ़ाया भी जाएगा और वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाया जाएगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे, अब हिस्ट्री इतना ज्यादा है, मिडिवल भी है, एंशिएंट भी है, मॉडर्न भी है, इतना सारा कैसे आदमी पढ़ेगा? तो जो सबसे ज्यादा टर्निंग प्वाइंट है, जहां पे डेट बदल रहे हैं, जहां पे एरा बदल रहा है, जहां पे कोई कल्चरल चेंजेस आ रहा है, कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ रहा है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम के चीजों से रिलेट हो रहा है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक ज्योग्राफी जो होती है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ चाहिए, बहुत ज्यादा ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चीजें फोकस करना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सोलर सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम लोग एनटीए के बिहाफ देखा जाए तो अक्सर वहां से क्वेश्चन पूछता है।
अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। पॉलिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, अमेंडमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पार्ट शेड्यूल इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के भी लगभग 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़ लो आपका काम बन जाएगा। वो चीजें एकदम आपको कोर टॉपिक हम आपको दे देंगे, एकदम वही चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जानी है और आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस तरीके का सिलेबस हमारा पूरा प्रिपेयर है। कंप्यूटर बेसिक्स जो है ना वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर बेसिक्स जनरली कोई पढ़ा नहीं होता है कभी भी, बहुत कम बच्चे जो होते हैं वो कंप्यूटर की क्लासेस लिए होते हैं, लिए भी होते हैं तो एज ए प्रैक्टिकल लिए होते हैं, नॉट लाइक कि हाँ हम लोग थ्योरी के बेस पे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर से कोई जॉब लग जाएगी। बस हम लोग बेसिक चीजें अपने नॉलेज के तौर पे रखते हैं। यहां पे आपको पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। इस कंप्यूटर की क्लास के लिए आपको मैं क्लास दे रहा हूं, साथ ही साथ यूट्यूब से मैंने सर्च करके एक प्लेलिस्ट रेडी किया हुआ है। भाई देखो, मेरा काम है प्रॉपर गाइडेंस देना, आपको पढ़ाना और आपका सिलेक्शन कराना। सिलेक्शन तो आपके पढ़ाई से होगा, मतलब मैं चाहता हूं मैं आपको वो रास्ता दिखाऊं। मैंने क्या किया, मैं देखा क्योंकि लास्ट टाइम मैं भी एग्जाम दिया हूं, पिछले कई बार से मैं एग्जाम देता रहता हूं और बीएचयू में पढ़ाई करने की वजह से मैं ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर पाया कि जरूरी है किसी चीज की प्रिपरेशन कराने से पहले आप खुद वो चीजें एक्सपीरियंस करो कि क्वेश्चंस कहां से आ रहा है, जो भी कमीशन है जो पेपर बना रही है किस माइंडसेट से पेपर बना रही है। ये चीजें ऑब्जर्वेशन में मेरे जब आया तो कहीं ना कहीं मैं सर्च करके निकाला यूट्यूब से कि बेसिस कंप्यूटर अलग अलग टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, कैसे भी उनका चैनल छोटा या बड़ा है, मैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर लिया, वो भी मैं आपको दूंगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक बार में आप पूरी प्लेलिस्ट देख लो, लगभग मान लो कि 25 घंटे की क्लास होगी, लगभग 20-30 लोगों का मैंने सर्च करके निकाला हुआ है, आप उसको देखो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये भी मैं अपने कोर्सेज में आपको दूंगा। उसके बाद यहां पे हमारे पास एप्टीट्यूड रीजनिंग बेसिक्स मैथ बेसिक रीजनिंग आती है, कैलेंडर क्लॉक ब्लड रिलेशन रैंकिंग सेक्वेंस सीरीज अल्फाबेट नंबर सिस्टम, यही सब क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे बाकी चीजें तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को 3 दिन पहले मिल जाओगे मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा और बेसिकली 20 क्वेश्चन अगर बताया तो 17-18 क्वेश्चन 12-13 फंसा दूंगा मैं, इतना कॉन्फिडेंस है अपने नोट्स पे और अपने जो भी मेरी कंटेंट है उस पे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये प्रैक्टिस की चीज है, समझ रहे हो ना, ये प्रैक्टिस की चीज है। इसको अभी से भाई अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बेसिक्स मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एनटीए आपको धोखा दे देगा, क्योंकि एनटीए बाकी कमीशन से पेपर हटके बनाता है। उसके पेपर मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है काफी डिफरेंट है, देखते हो हर बार चिल्लो चम्मी होता रहता है, एकदम मतलब लोग परेशान हो जाते हैं। खासकर मैथ और रीजनिंग पे उन्होंने अच्छा कमीशन बना के रखा हुआ है, अच्छे लोग बैठा के रखे हैं, वो क्वेश्चंस बड़ा मतलब बनाते हैं, तबियत से बनाते हैं, हार्ड कह सकते हो कि बनाते हैं। तो ये पढ़ना पड़ेगा, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये सिलेबस आप सभी लोग देख लो और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और ये आज मैं डिस्कस किया हूं जनरल पेपर, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी डोमेन लाइक इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी पॉलिटी एमएससी के कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो प्रोफेशनल कोर्सेज के भी आप सभी लोग ध्यान देना कि ये हमारे लॉ में भी आता है। लॉ जो भी ऑप्ट करेंगे 3 ईयर्स लॉ 2 होता है, ध्यान देना, ठीक है। 5 ईयर्स का भी लॉ होता है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं BA LLB, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये यूजी के बच्चों के लिए है। और एक होता है 3 ईयर्स लॉ जो कि पीजी के बच्चों के लिए होता है जो यूजी के बाद करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पीजी में भी इसी सिलेबस को देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो कोर्सेज हैं हमारे यहाँ BHU या JNU या DU में जो जनरल पेपर के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग करें और फोकस होके करें, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। और हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, यहां पे एक नंबर होगा, आप नंबर पे कॉल करें, काउंसलिंग कराए, कोर्स ज्वाइन करें, मुस्कुराते रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।